हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद आवेज़ फ्रॉम एडवांस स्टडी और मैं आज आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नेम है अ लेटर टू गॉड। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर बुक का चैप्टर है विच नेम इज़ फर्स्ट फ्लाइट। सो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एक फार्मर के ऊपर बेस्ड है जो कि कॉर्न की फार्मिंग करते हैं और वो फार्मर एक लेटर को एक गॉड को लेटर लिखते हैं अबाउट फॉर द आस्किंग फॉर 100 पैसोज। स्टूडेंट्स, पैसोज इज़ अ लैटिन करेंसी विच वी विल डिस्कस फर्दर इन दिस चैप्टर। तो आइए अब देखना यह है क्या फार्मर को उनका लेटर का जवाब मिलता है या नहीं, या गॉड तक उनका लेटर पहुंचता है या नहीं। तो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में आगे। लेट्स बिगिन टू द स्टोरी नाउ। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक घर के बारे में बताया जा रहा है जो कि पूरे वैली में पूरे पहाड़ पर सिर्फ एक घर है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि क्रेस्ट पर है। क्रेस्ट मीन्स स्टूडेंट्स टॉप ऑफ द हिल, द टॉप सरफेस ऑफ द हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि उस घर की हाइट से सिर्फ एक रिवर और एक फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एक कॉर्न से भरी हुई फील्ड दिख रही होती है जो कि पूरी फील्ड फ्लावर्स से डॉटेड होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि उस फील्ड को फाइनली सिर्फ एक डाउन पोर या एक शावर की ज़रूरत होती है। डाउन पोर और शावर एक दो टर्म्स हैं यहाँ पर जो कि यूज़ करे गए हैं रेनफॉल के लिए, यानी फाइनली उस फील्ड को सिर्फ अब रेनफॉल यानी वाटर की ज़रूरत है फॉर द क्रॉप्स टू हार्वेस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर फार्मर का नाम बताया गया है विच इज़ लेंचो। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। जो कि ये बता रहे हैं कि उनका फील्ड जो है उसमें सारा काम उनके थ्रू हो चुका है, सिर्फ उन्हें नॉर्थ ईस्ट से इंतज़ार है बादलों के आने का जो कि उनके फील्ड के लिए रेनफॉल लेकर आएंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हमें कुछ टाइम में रेनफॉल यानी बारिश मिलने ही वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वहाँ पर वुमेन वो सपर प्रिपेयर कर रही होती हैं। स्टूडेंट सपर मीन्स डिनर। वो बोलती हैं येस गॉड विलिंग, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है सीन में कि जो बड़े बच्चे होते हैं घर के वो बाहर फील्ड में काम कर रहे होते हैं वाइल द स्मॉलर वाइल द एल्डर चिल्ड्रन वर्स प्लेइंग इन द फील्ड, और फाइनली वुमेन उन्हें डिनर के लिए बुलाती हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। यहाँ पर लेंचो प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट यानी एक अंदाज़ा अनुमान लगाते हैं कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल यानी बारिश अच्छी होने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेंस ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में स्टूडेंट्स क्लाउड्स आते हुए दिख रहे होते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो रीज़न अदर देन टू हैव द प्लेजर एंड फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि वो मैन यानी फार्मर बाहर जाते हैं किसी रीज़न के बगैर, वहाँ पर वो सिर्फ बाहर की जो ताज़ी ठंडी हवा चल रही होती है उसे फील करने के लिए जाते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आते हैं तो वो एक्सक्लेम्ड करते हैं। एक्सक्लेम मीन्स स्टूडेंट्स अपनी खुशी को जाहिर करना अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू। दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइंस, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वहाँ यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए जो ड्रॉप्स हैं बारिश की उन्हें सेंट्स से कंपेयर करा गया है। सेंट्स इज़ ऑल्सो अ स्मॉल करेंसी, स्मॉल लैटिन करेंसी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि बड़ी ड्रॉप्स तो 10 सेंट्स हैं और छोटे वाले 5 सेंट्स। ऐसा स्टूडेंट्स उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि जो क्रॉप्स जब फाइनली हार्वेस्ट हो जाएंगे बारिश के पानी के बाद तो वो मार्केट में मनी के एक्सचेंज में बिकेंगे। सो इसलिए उन्होंने क्रॉप्स को इसलिए उन्होंने वाटर ड्रॉप्स को पैसों से कंपेयर करा है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। फिर फाइनली उन्हें काफ़ी खुशी होती है और काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाते हैं वो बारिश से कि उनके क्रॉप्स को फाइनली एक कर्टेन मिल जाता है रेन का, यानी बारिश का एक अच्छा मात्रा उनके क्रॉप्स को मिल जाती है। ड्रेप मीन्स कवर, यानी कि बारिश से अच्छी तरह कवर हो जाते हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन
वेरी हैवी हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस सीन के बाद अचानक से एक स्ट्रॉम आ जाता है, एक तूफान आ जाता है जो कि काफ़ी तेज़ हवा लेकर आता है और काफ़ी सारे हेल स्टोन्स आने लगते हैं, बरसने लगते हैं। स्टूडेंट्स, हेल स्टोन्स का मतलब है ओले, ओले वहाँ पर अचानक से बरसने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। वो वहाँ पर उन्होंने ओलों को यानी हेल स्टोन्स को सिल्वर कॉइन्स से कंपेयर करा है ड्यू टू देयर शाइनी अपेयरेंस। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बॉयज़ होते हैं घर के, वो बाहर घर के बाहर निकल जाते हैं बारिश को में भीगने के लिए, और वो कलेक्ट करते हैं फ्रोजन पर्ल्स को। हेयर फ्रोजन पर्ल्स मीन्स द हेल स्टोन्स यानी ओले। इट रियली गेटिंग बैड, एक्सक्लेम द मैन। वहाँ पर जो फार्मर होता है स्टूडेंट्स, वो उसे बहुत बुरा लगता है जो ओले बरस रहे होते हैं, क्योंकि उसकी फील्ड को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है उन ओलों से। आई होप इट पासिस क्विकली, वो बोलते हैं आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, लगभग एक घंटे तक ओले जो है उनके घर पर बरसते रहते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे घर पर स्टूडेंट्स, उनके पूरे हिल साइड पर, पूरे उनकी जो फील्ड होती है कॉर्न की लगाई हुई, सब जगह ओले बरसने लगते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। स्टूडेंट्स, फील्ड ऐसे वाइट हो जाती है जैसे कि नमक से उसे ढका गया हो, इतने सारे ओले वहाँ पर गिर जाते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, इवन सिंगल लीफ तक नहीं बचा होता है किसी भी पेड़ पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, सारी फसल उनकी बर्बाद हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, सारे फूल भी गिर जाते हैं प्लांट्स के। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, यहाँ लैंचो जो है वो काफ़ी सैड हो जाते हैं जैसा कि हमें इस पिक्चर में दिख रहा है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब वो स्टूडेंट्स पूरा हेल स्टॉर्म चला जाता है तो वो फील्ड के बीच में आते हैं जैसा कि हम इस पिक्चर में दिख रहा है, और वो अपने बच्चों से बोलते हैं, अ प्लैग ऑफ लोटस्ट, अ प्लैग ऑफ लोकस्ट वुड। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है लोकस्ट, जिसका मतलब होता है इंसेक्ट, विच फ्लाई इन द बिग स्वॉर्म्स। ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं। और प्लैग, प्लैग मीन्स अ नेचुरल कैलेमिटी, एक नेचुरल आपदा। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि अ प्लैग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर ऐसा कीड़ों का भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती तो फिर भी हमारे पास काफ़ी कुछ बच गया होता। द हिल हैव लेफ्ट नथिंग, यहाँ पर जो तूफान यहाँ पर इनके क्रॉप्स के ऊपर आया उससे इनके पास, इनकी फील्ड में कुछ नहीं बचा। स्टूडेंट्स, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, ये लैंचो बोलते हैं। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये रात इनके लिए काफ़ी डेडली जाती है, काफ़ी सोरोफुल वो इसलिए क्योंकि उस रात उनका पूरे साल की मेहनत ख़राब हो गई होती है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वो बोलते हैं कि हमने सारा काम करा जो कि सारा मिट्टी में मिल गया, और अब हमारी मदद करने वाला हमारे पास कोई नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो बोलते हैं लास्ट में कि हम इस साल पूरे साल भूखे रहने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ कवर कर लिया है, और फर्दर वीडियोज़ में हम इसका सेकेंड हाफ भी कवर करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट यू गेट्स रेगुलरली अपडेटेड टूवर्ड फ्रॉम आर चैनल। थैंक यू एवरीवन।